Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। देखा है ना लोगों ने, पढ़ा है अखबार में कि गुनगुन को बोरवेल में से निकाला भी तो हमारे परिवार ने ही था ना। चाची जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी भी परिवार का अपने बच्चे को यूं बोरवेल में गिर जाने देना जज के सामने हमारे लिए बात बहुत नुकसानदायक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से झूठ भी तो नहीं बोल सकता ना। हमारा केस सच में बहुत ज्यादा वीक है। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। एक परेशानी खत्म नहीं होती, वहां दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। डर सा लगा रहता है, अब ना जाने कौन सा नया खतरा, नया दुश्मन हमारे परिवार का इंतजार कर रहा है। डोंट वरी दामिनी, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे पास सेफ है। क्यों, तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना? नफरत तो करता हूं दामिनी, लेकिन इस घर में ना और भी बहुत लोग हैं जिससे मैं तुमसे भी ज्यादा नफरत करता हूं। और हमारे घर का भेदी है राहुल। ये क्या बकवास कर रहे हो मोहन भैया? अरे भूला नहीं हूं मैं वो दिन जिस दिन मोहन भैया ने सबके सामने मुझे बेइज्जत किया था। सबके सामने मारा था उन्होंने मुझे, मेरी कोई गलती भी नहीं थी उसके बावजूद भी। और सब उस दो कौड़ी की गांव की गवार के कारण। अच्छा खेल खेला था ना तूने, वो तो अच्छा कि राधा थी, वरना तेरी सच्चाई तो कभी भारी नहीं आती। डफर को लगता है कि इसकी सुताई की वजह राधा थी, ये नहीं जानता कि इन सबके पीछे मैं थी। देखो दामिनी, हम दोनों का दुश्मन एक है, वो है राधा, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं और इस दोस्ती का एक ही मिशन होगा, राधा की बर्बादी। एक साथ रहेंगे तो काम आसान भी होगा और जल्दी भी। बोलो पार्टनर्स। अब अगर हम दोनों ने हाथ मिला लिया है तो राधा के हाथ काटना आसान हो जाएगा। पर इस वक्त जो नौटंकी चल रही है तो मोहन तो अपनी बिटिया गुनगुन को बचाने में ही व्यस्त हो जाएगा, तो तेरी हल्दी में घास कौन डालेगा? डोंट वरी मम्मा, आपकी बेटी महा प्लानिंग बिना कुछ भी नहीं करती। राधा पूरी कोशिश करेगी कि वो कल का हल्दी का फंक्शन कैंसिल करे, पर ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। कल हमारे मोहन और दामिनी की हल्दी भी है, ये सब ऊपर से। नहीं माँ, कोई हल्दी वल्दी नहीं होने वाली है इस घर में। मेरा सारा ध्यान इसी पर रहेगा ना कि मेरी बेटी इसी घर में रहे। वैसे भी गुनगुन काफी डरी हुई है, हल्दी की रस्म रोक देते हैं। पहले एक बार गुनगुन को संभाले, फिर तुम चुप रहो राधा, हल्दी की रस्म नहीं रुकेगी। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है दामिनी,
अपने अलावा किसी और के बारे में कभी सोचा है तुमने? जो अब सोचोगी। मेरा मतलब ये है कि घर पे हल्दी की रस्म होने से घर का माहौल अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। तो जब लॉयर और वो सोशल वर्कर गुनगुन से मिलने आएंगे ना, तो वो भी देख लेंगे कि गुनगुन हमारे साथ यहाँ कितने खुश है। वैसे दामिनी की बात गलत नहीं है मोहन। देख, नर्मदा जी जब से आई है वो सिर्फ यही बात बोल रही है ना, गुनगुन के लिए एक अच्छी माँ चाहिए उन्हें। तो अगर हम उस सोशल वर्कर को और उस लॉयर को ये यकीन दिला दें कि दामिनी गुनगुन का एक माँ की तरह ख्याल रखती है और वो उसकी माँ बन सकती है, तो शायद ये केस हमारे फेवर में आ सकता है। पर गुनगुन दामिनी से नफरत करती है, वो कभी दामिनी को मम्मी नहीं बोलेगी। ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। हम? हाँ, तुम्हें कैसे भी करके गुनगुन को मनाना पड़ेगा कि वो उस लॉयर और सोशल वर्कर के सामने दामिनी को वहां कहेगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, फंस गई राधा रानी। राधा प्लीज, मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को नहीं खो सकता राधा। नहीं, नहीं, नहीं मोहन जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे गुनगुन दामिनी जी को माँ बोले। ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।